नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूँ राकेश। बात हम कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड विधानसभा चुनाव की जो भी स्थिति है आप सबके सामने है, और ये जो माहौल है अजीब रोमांच माहौल बना हुआ है, क्योंकि कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर चर्चाएं लगातार हो रही है। उन्हीं सीटों में से एक सीट पर हम बात कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट है, सुदेश महतो की सीट है, सिल्ली विधानसभा सीट। चार बार वो विधायक रह चुके हैं, एक बार पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इस बार एक बार फिर से वो सिल्ली से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो उनके रास्तों में कितने कांटे होंगे और इस बार कितनी चुनौती होगी, और बता दें चले कि इस पर क्या कुछ समीकरण बैठता हुआ नजर आ रहा है इस बार। और झारखंड में अगर बात की जाए सिल्ली की, तो राजधानी रांची से सटा हुआ सिल्ली इलाका माना जाता है, और इस बार राह कितनी आसान होगी सुदेश महतो की, इस पर अधिक जानकारी के लिए हम रुख करेंगे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, सिल्ली विधानसभा की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर सुदेश महतो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, चार बार के विधायक रह चुके, एक बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस बार राह कितनी आसान होगी सुदेश महतो की? एक बार नहीं, मुझे लगता है कि दो बार वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाहिर तौर पर सिल्ली हॉट सीट इसलिए हो जाती है, छुट्टी जहाँ से हाई प्रोफाइल लोग लड़ते हैं, बड़े नेता लड़ते हैं, वो हॉट सीट हो जाती है, और सिल्ली उनमें से एक सीट है। रांची जो राजधानी है झारखंड की, उससे सटी हुई सीट है, काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है वहाँ पर, और कहा जाता है कि सुदेश महतो ने किया है, उसके सूत्रधार हैं वो। फिर भी सुदेश महतो की 2014 में हार हो गई थी, इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या इस बार होने वाला है, चूँकि इस बार और सिल्ली का रोमांच बढ़ने वाला है, इसलिए चूँकि जिन्होंने 2014 में हराया था उनको, जब रघुवर दास की सरकार बनी थी, वो एक बार फिर से जेएमएम में आ चुके हैं, अमित महतो, अमित कुमार, उनकी पत्नी भी सुदेश महतो को हरा चुकी हैं। देवेंद्र नाथ महतो जो जेएलकेएम के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, इससे पहले भी हालांकि चुनाव लड़ चुके हैं वो, लेकिन उस समय वैसी हालत नहीं थी, मतलब उतना वोट नहीं ला पाए थे, लेकिन रांची लोकसभा सीट पर जैसे ही उन्होंने ताल ठोकी तो देवेंद्र नाथ महतो बड़े नेता के तौर पर उभरे। जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जयराम महतो खुद डुमरी से लड़ रहे हैं, तो सिल्ली पर वैसे ही सारे राजनीति विश्लेषकों की या फिर बड़े बड़े लोगों की भी नज़र है कि सिल्ली सीट का परिणाम क्या रहता है। एक तरफ सुदेश महतो बड़े नेता हो गए हैं, देवेंद्र नाथ महतो जो उभरते हुए नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ जेएमएम से जो बागी हो गए थे, अलग हो गए थे, अपनी पार्टी बना चुके थे अमित यादव, अचानक जेएमएम में उनकी वापसी हो जाती है तो वो भी ताल ठोकने वाले हैं। उसी तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव कमलेश, वो भी वहाँ से लड़ चुके हैं सिल्ली से, तो उनके नाम की भी चर्चा है कि हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश को भी कांग्रेस वहाँ से लड़ाने की, अगर वो सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, वैसे अमित यादव का लड़ना तय है गठबंधन में, वो सीटें झामुमो के खाते में जाते हुए दिख रही है। तो कैसे कैसे क्या पुराना आंकड़ा है, डाटा है, कितनी बार जीते हैं, कब तक कितने मार्जिन से जीते हैं, ये हमारे पास डाटा है, वो हम दिखा करके दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए 2000 में सबसे पहले 2019 से हम शुरुआत करते हैं, तो 2019 में सुदेश कुमार महतो यहाँ से जीते थे, 83,700 वोट इनको मिला था, 20,195 वोट से ये चुनाव जीते थे। तब अमित महतो की पत्नी जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, सीमा देवी नाम है, 63,505 वोट उनको मिला था। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी, चौथे नंबर पर इंडिपेंडेंट, और ये दो देवेंद्र महतो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 में, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे तब, और तब उनको महज 1,445 वोट मिला था, उस समय जमानत तक जब्त हो गई थी उनकी, लेकिन इस बार उनके नाम की चर्चा है। 2014 की बात करें, 2014 में ये अमित कुमार जीत चुके हैं, सुदेश महतो को हरा चुके हैं, तब 79,747 वोट अमित कुमार को आया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर चुनाव जीते थे। सुदेश महतो को तब 50,007 वोट मिले थे और 29,740 वोटों से उनको शिकस्त मिली थी। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे, दिनेश प्रसाद साहू चौथे नंबर पर रहे थे, उस समय कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा जो बात करते हैं 2009 की, तो 2009 में फिर से सुदेश कुमार महतो वहाँ से जीते हुए हैं, 45,673 वोट उनको मिला था, 7,707 वोट से उस चुनाव जीते थे, उस वक्त भी अमित कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे 37,966 वोट ला करके।
उस दौरान 2009 में केशव महतो कमलेश जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं फिलहाल, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, तब उनको 7,348 वोट उनको मिला था। उस समय अमित कुमार जो जेएमएम में के विधायक रह चुके हैं और जेएमएम में वापसी हुई थी, दूसरे नंबर पर रहे थे, तब बाबूलाल मरांडी की पार्टी से जेवीएम से चुनाव उन्होंने लड़ा था। 2005 की का भी देख लेते हैं, 2005 में भी सुदेश कुमार महतो यहाँ से जीते थे, 39,281 वोट यहाँ मिला था उनको। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा से अमित कुमार लड़े थे, 19,969 वोट मिले थे। संजय कुमार सिद्धार्थ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, इनको 13,755 वोट मिला था। इस तरीके से चार बार और एक बार और मुझे लगता है कि सुदेश महतो मुझे लगता है कि पांचवीं दफ़ा पांच बार के विधायक रह चुके, उससे पहले भी एक दूसरी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे, तो वो लगातार वहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प इसलिए है चूँकि लोकसभा चुनाव में 1,32,000 वोट लाया था देवेंद्र महतो ने, और तब भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़े थे और उस वक्त वो जेल में भी थे। और खास बात यह है जो दिलचस्प बनाता है इस मुकाबले को कि 49,000 के आसपास में सिल्ली में उनको वोट मिला था तब, यानी कि बीजेपी के जो संजय सेठ थे उनके बाद देवेंद्रनाथ महतो को ही सिल्ली से लीड मिली थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की जो यशस्विनी सहाय हैं, सुबोध कांत सहाय की जो पुत्री हैं, इस बार चुनाव लड़ रही थी रांची लोकसभा की, वो तीसरे नंबर पर सिल्ली में रही थी लीड के मामले में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि देवेंद्रनाथ महतो, सुदेश महतो और ये जो अमित महतो जेएमयू में वापसी हो चुकी है, इनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है और ज़बरदस्त मुकाबला है। एक ही बिरादरी से तीनों लोग ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर ये बहुल इलाका भी माना जाता है, तो किसको जीत मिलती है ये जनता तय करेगी, लेकिन मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है सिल्ली में और सबकी नज़रें यहाँ पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, फाइट इस पर काफ़ी टफ होने जा रहा है क्योंकि हॉट सीट होने के साथ ही साथ सुदेश महतो इस सीट से कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। देखना होगा कि सिल्ली की जनता किसका साथ देती है, क्या सुदेश महतो एक बार फिर से इस सीट से चुनाव जीतते हैं या फिर विरोधी इस सीट पर बाजी मार जाते हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, फॉलो जरूर करें। नमस्कार।